जो केस है इसके अंदर हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, दो चीज़ों का इसमें वर्क होता है। अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हमें दो चीज़ों पे वर्क करना होता है। एक तो फाइल, फाइल का मतलब कि जैसे हम इस केस में अभी हमारी फाइल का नाम है फाइल हैंडलिंग डॉट पाई, इस तरीके की सिंगल फाइलों को फाइल कहा जाता है, और फोल्डर जो होता है वो दूसरा होता है। जैसे कि हम जो डायरेक्टरी बनाते हैं वो होता है फोल्डर। लिनक्स के केस में हम इनको डायरेक्टरी बोलते हैं, विंडोज़ में हम इन्हीं को फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये केस क्या है, वहाँ पर हम dir कमांड भी यूज करते हैं, वही dir कमांड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग में। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर दो चीज़ों पे वर्क किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है हमारा फाइल। अब फाइल है दैट मीन्स कि हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, या हम इसको डिलीट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं फाइल के साथ। यही सेम टू सेम केस हम फिर इसके बाद में देखते हैं फोल्डर के साथ। और ये जो केस है यहाँ पर, यही हम एक्चुअल में नॉर्मल कंडीशन में भी करते हैं। अगर हमें हमारे सिस्टम में कोई नई फाइल बनानी हो, मान लो टेक्स्ट फाइल ही बनानी है हमें कोई, तो हम डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को क्रिएट करते हैं, एक नाम देते हैं उसको, और उसके अंदर कंटेंट लिख के उसको हम सेव कर देते हैं। तो इस केस के लिए हमें क्या मिलता है यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में, रीड और राइट दो चीज़ें हमको मिलती है, यही मेन होता है। फाइल को या तो तुम रीड करोगे या फिर राइट करोगे। दैट मीन्स कि अगर तुमको पढ़ना पढ़ना है तो केवल रीड, और केवल तुमको केवल फाइल में लिखना लिखना है तो राइट। और अगर तुम्हें फाइल के अंदर कोई भी चीज़ पढ़नी भी है और साथ में अगर नहीं पसंद आ रहा है तो चेंज भी करना है, तो उस केस में फाइल की परमिशन जो है वो रीड और राइट दोनों चीज़। तो फाइल में हम परमिशन देते हैं दो तरीके की, रीड और राइट की। तो फाइल कॉन्सेप्ट के अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर हम या तो हम फाइल को क्रिएट करते हैं या फिर हम फोल्डर को, और दोनों ही केस में हमारे पास रीड और राइट की अथॉरिटी होनी चाहिए। यही पूरा का पूरा जो केस है, जब हम बात करते हैं कि किसी होस्टिंग की, तो होस्टिंग एक्चुअल में क्या है, होस्टिंग एक सर्वर पर फाइल क्रिएट करने मॉडिफाई करने का तरीका है। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं वेबसाइट को लॉन्च करने की, तो वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले डोमेन परचेज करना पड़ता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो कि हम www.python.com, ये हमारा हो गया डोमेन। होस्टिंग होता है हमारा जहां पर हम इस www.python.com के कंटेंट को रखते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया और हमारे पास यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है बेसिक नाम का, या मेन फोल्डर की बात करते हैं तो नाम है पाइथन बेसिक एंड एडवांस विथ एक्सरसाइज। इसके अंदर हमने बेसिक नाम से फोल्डर बना रखा है, एडवांस, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जितना भी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सब कुछ इस एक फोल्डर पाइथन बेसिक एंड एडवांस विथ एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो मान लो कि यही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है पाइथन बेसिक एंड एडवांस विथ एक्सरसाइज, और इसके अंदर का पूरा कंटेंट हमको उठा के ले जाना है, किसी होस्टिंग पे रखना है। अब होस्टिंग जो है वो भी एकदम सेम टू सेम काम करता है जैसे हमने अभी तक वर्क किया होगा। मान लो होस्टिंग और डोमेन तुमने नहीं देखा है, या डोमेन देखा है बट होस्टिंग कैसे वर्क कर रहा है नहीं देखा, तो हम जो अभी तक यूज करते आए हैं जैसे गूगल ड्राइव हो गया, अमेज़ॉन का हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, तो ये सब क्या है, हमको ऑनलाइन फाइल्स को रखने का तरीका देता है कि हम वहाँ पे फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के साथ में हम वहाँ पर भी फाइल को अपलोड भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। यही सेम टू सेम एक्सेसिबिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है होस्टिंग में भी। तो ये लोग जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शनलिटी, मान लो गूगल का ड्राइव, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट का,
ये लोग जो कुछ भी हमको फंक्शनलिटी दे रहे हैं कि हम वहाँ पर फाइलें रख सकते हैं, उसमें ये टोटली यूज कर रहे हैं इसी फाइल हैंडलिंग का। डजेंट मैटर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जावा यूज कर रहे हो, डॉट नेट यूज कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, पीएचपी यूज कर रहे हो, कुछ भी बैकएंड की लैंग्वेज कुछ भी हो, बट अगर ये सब लोग अपने सर्वर पे फाइल रखने, मॉडिफाई करने, चेंज डिलीट करने की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं वहाँ पर। और यही सेम टू सेम केस होता है होस्टिंग का, कि जैसे गो डैडी हो गया, होस्ट गेटर हो गया, वन एन वन हो गया, अमेजॉन हो गया, एजोर हो गया, ये सारे क्या हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। ये फंक्शनल फैसिलिटी देते हैं कि आप कुछ पैसा दो और इनके सर्वर पे कुछ स्पेस खरीद लो जहां पर कि आप अपनी फाइलों को रख पाओ। तो ये भी उसके लिए फैसिलिटी यही दे रहे हैं कि अपने ड्राइव में से एक छोटा सा फोल्डर का हिस्सा आपको अलॉट कर दिए हैं जिसमें कि आप जो भी कुछ चाहो रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। हाँ, उसकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है, आप जितना पैसा देते हो उतना आपको स्पेस मिलता है। तो ये सारे के सारे केस में इसी फाइल हैंडलिंग का यूज होता है, क्योंकि चाहे बात हो हमारे लोकल सिस्टम की या बात हो ऑनलाइन सर्वर की, एट द लास्ट हम करते हैं काम फाइल में रीड राइट करने का ही। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है फाइल हैंडलिंग में यही होता है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी थ्योरी पार्ट को कि एक्चुअल में फाइल हैंडलिंग में हो क्या रहा है। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर सबसे पहली चीज कि कहीं भी अगर हमें किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें होते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स। जैसे कि पहला हो गया हमारा ओपन। ओपन जैसे ही हम यूज करते हैं और इसके अंदर हम जो कोई भी नाम देंगे, अगर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है फाइल, तो वो हमारा एक्सेस कर लेगा, उसको फेच कर लेगा। फेच करने के बाद में इसी में हम एक पैरामीटर और देते हैं कि हमें उसे रीड करना है, राइट करना है, या करना क्या है उसके साथ। तो एक्चुअल में फाइल हैंडलिंग में हमको हमेशा चार मेजर तरीके मिलते हैं। ये हैं वो चार तरीके, ठीक है। एक की तो बात की हमने कि हम रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। दूसरे तरीकों को छोड़ दो, तीसरा तरीका देखो, राइट वाला। तीसरे तरीके में क्या कर रहे हैं, हम फाइल को राइट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक है ए और एक है एक्स, इनको भी हम देख लेते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। कि अगर हम बात करते हैं रीड की, तो रीड के केस में क्या होता है, हम किसी भी फाइल को ओपन मेथड के थ्रू ओपन करते हैं और आर हम जब पास करते हैं उसमें सेकंड पैरामीटर, तो वो फाइल हमको एज अ रीड मोड में मिल जाती है। खास चीज क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें फाइल नॉट एग्जिस्ट का एरर मिलेगा। उसी की जगह पे अगर हम ए का यूज करते हैं, तो ए का फायदा ये है कि ये क्या करेगा कि जिस भी फाइल को हम सर्च कर रहे हैं, अगर वो फाइल ही नहीं मिलती इसको, तो ये तुरंत एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक, और इसके बाद में उसको हमें शो करा देगा। लेकिन इस केस में हमको एरर नहीं मिलेगा। तो ये किसका अपोनेंट हो गया, आर का, कि नॉर्मल केस में हम रीड कर रहे हैं। अब यहां पर सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर कहते हो कि आर क्यों और ए क्यों, एक ही चीज क्यों नहीं, तो इसके लिए ऐसा इसलिए है कि मान लो कि हम कोई सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं किसी फंक्शनैलिटी पे, जहां कि हमको नया फाइल नहीं क्रिएट करना है, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एल्स की कंडीशन में चले जाएंगे, लेकिन हम नई फाइल नहीं क्रिएट करेंगे। दूसरा कंडीशन इसलिए है कि मान लो हम कोई ऐसी फंक्शनलिटी कर रहे हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमको वहां पे एल्स की कंडीशन में जाके नई फाइल क्रिएट करनी है, तो हम वहां पर ये काम कर रहे हैं। वैसे ही अब समझ में आ गया होगा कि जो डब्ल्यू है उसी का भाई होगा एक्स। तो डब्ल्यू क्या कर रहा है, वो फाइल को राइट मोड में हमको ओपन करके दे रहा है। लेकिन यहां पे माइनर सा डिफरेंस क्या है कि अगर फाइल हमको नहीं मिल रही है तो ये फाइल को क्रिएट करेगा, पहली चीज। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें ये हो सकता है कि ए भी तो वैसा ही काम कर रहा है, तो आर क्या नया, डब्ल्यू क्या नया कर रहा है। तो आर का जो केस है, ए का जो केस है वो आर के साथ के लिए है, और डब्ल्यू का जो केस है ये रीड के लिए है, ठीक है। लेकिन ए का केस जो है वो इसलिए है कि आप रीड करने गए लेकिन फाइल नहीं मिली, तो उसने एक नई फाइल को अपेंड किया, दैट मीन्स कि ऐड कर दिया।
जिस फाइल नाम से आप खोज रहे थे उसी फाइल नाम से उसने बना के अपेंड कर दिया। लेकिन डब्ल्यू का केस ये है कि ये राइट करने के लिए फाइल को बना रहा है, कि हमको कुछ याद आता है और हमको लिखना है, और उसको लिखने के लिए हमें कहीं कोई फाइल चाहिए है, तो वो फाइल ये क्रिएट करेगा। वहीं पे जो लास्ट है एक्स, एक्स क्या करता है, एक स्पेसिफिक फाइल अगर आप चाहते हो किसी एक्सटेंशन से तो उसको ये क्रिएट करेगा। और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं बन रही है, तो ये एरर भी दे देगा। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जिसको कि तुम्हें पहले करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद में जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो ये क्वेश्चंस हैं जिन पे एक बार नज़र डाल लेना। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन आर एंड ए, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज डिफ बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। और इनको एक बार यूज करने पे धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वर्क हो क्या रहा है यहाँ पर। इसके अलावा दो और चीज़ें मिलती हैं हमको अलग से, मीन्स कि दो अलग मेथड्स मिलते हैं हमको इन, क्या कहते हैं, आर डब्ल्यू और ए एक्स के अलावा। तो वो जो है वो टी और बी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको नॉर्मली टेक्स्ट के मोड में ही रखना है फाइल को, तो उसके लिए हम टी यूज करते हैं, और अगर हमें बाइनरी मोड में रखना है तो हम बी रखते हैं। बाइनरी मोड क्यों रखा जाता है, ऐसी कंडीशंस के लिए जिसको कि नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में हम नहीं रख सकते, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है इमेज। जब भी कभी हमें फाइल हैंडलिंग में इमेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होता, इसलिए हमें यूज करना होता है बाइनरी फॉर्मेट का। तो थोड़ा सा हम इसके सिंटेक्स को भी देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक फाइल पड़ी हुई है यहाँ पर, फाइलें तो कई सारी हैं। मान लो कि हम इनपुट डॉट पाई को देखते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, चेक फाइल। तो चेक फाइल के केस के लिए हमको क्या करना है, हमने बात की, हम यहाँ पर फाइल ले लेते हैं एक वेरिएबल, और फाइल में हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ओपन। ओपन मेथड क्या करता है, ओपन मेथड ये है जो हमको फाइल की एक्सेसिबिलिटी देगा, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम ये देख सकते हैं कि ओपन मेथड जो है ये कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। तो पहली चीज़ तो हम फाइल दे रहे हैं, और फाइल किस तरीके का डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा, एसटीआर, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो फाइल का पाथ देते हैं कभी भी, या इमेज का पाथ दिया जाता है, वो सब कुछ स्ट्रिंग में होता है। मोड ये भी स्ट्रिंग है, अभी हमने जो देखे हैं ये एक्स हो गया, टी हो गया, बी हो गया, आर डब्ल्यू हो गया, ये सब स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि ये डबल कोट के साथ है। बफरिंग होता है इंटीजर नंबर, इनकोडिंग है, एरर्स है, न्यू लाइन है, क्लोज फाइल डायमेंशन है, और ओपन एरर है। तो ये अलग अलग क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट कौन सा डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा वो चीज़ भी यहाँ पर बताया है। तो कभी भी कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जरूरी यही है कि उस मेथड के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देख लो, अदरवाइज वो एरर देगा, और अनएक्सपेक्टेड एरर समझ के तुम गोल गोल घूमोगे। इसने यहाँ पे बाकायदे पूरा थ्योरी भी दे रखी है, तो इन केस अगर तुम फंसते हो तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और उम्मीद है शायद लास्ट में कुछ एग्जाम्पल भी इसने करके दिखाया होगा यहाँ पर। वीएस कोड भी टाइमली जब अपडेट होता है तो उसके साथ यहाँ पर लाइब्रेरीज में भी कई सारे अपडेट्स होते रहते हैं। तो मान लो अभी के केस में हमारे पास जो फाइल है, फाइल का नाम है इनपुट डॉट पाई, 31.input.py। तो हमने फाइल का नाम लिखा 31.input.py, ये तो हो गई हमारी फाइल, कि हमने फाइल को ओपन करना था। तो हम थोड़ा सा इसको प्रिंट करके भी देख लें कि हमको एक्चुअल में फाइल में अभी तक मिला क्या। तो हमने रन किया कमांड को, इसने एरर दे दिया है कि एरर टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी 31.input.py, मतलब कि इसको फाइल ही नहीं मिली इनपुट डॉट पाई नाम की। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि इसको चाहिए होगा
पूरा का पूरा पाथ। अगर पूरा पाथ इसको नहीं मिलेगा तो ये हमको फाइल लाकर नहीं देगा। तो यहां पर मैं अगर इसको पूरा पाथ दे देता हूं, यही था पूरा पाथ। वन डॉट बेसिक हमारे फोल्डर का नाम था, फोल्डर का नाम हो गया वन डॉट बेसिक, और इसी के अंदर पड़ी हुई है हमारी फाइल इनपुट डॉट पाई। एक बार फिर से रन करते हैं, क्या हुआ, फाइल हमको मिल चुकी है यहां पर, ठीक है। आईओ डॉट टेक्स्ट आईओ रैपर नेम हो गया फाइल का। ये मोड जो है बाय डिफॉल्ट के केस में क्या है, रीड है, और इनकोडेड जो इसने लिया है वो लिया है CP1252। दैट मीन्स कि फाइल का पाथ सही देना बहुत जरूरी होता है। अभी के केस में ये सही पाथ मिल गया, इसलिए इसने एरर नहीं दिया। अब बात करते हैं कि ठीक है, फाइल हमने ले ली, लेकिन फाइल को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए अभी पहला पैरामीटर हमने पास किया फाइल नेम। फाइल नेम के बाद में हमको चाहिए कि हमें इसको रीड करना है। तो यहां पर एक मोड होता है जो अभी हमने देखा आर, और एक देखा था टी। तो हम एक साथ दो मोड दे दे रहे हैं कि रीड भी करेगा और रीड करेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यही फाइल हमको सेम टू सेम आंसर मिलेगा, लेकिन अब जो इसका मोड है वो मोड चेंज होकर क्या हो गया है, आरटी। पहले इसका मोड क्या था, केवल आर था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमको आउटपुट क्यों नहीं मिला, फाइल क्यों नहीं मिली। तो फाइल जो है अभी हमने क्या किया, केवल इसको ओपन किया है। ओपन करने के अलावा अभी हमने इसको रीड करने के लिए कमांड नहीं दिया है। इसके अंदर हमें हर एक चीज के लिए क्या मिलेंगे, अलग अलग मेथड मिलेंगे। जैसे रीड करने के लिए हमें यहां पर मेथड मिला ओपन, सॉरी, फाइल को ओपन करने के लिए हमको यहां पर मेथड क्या मिला, फॉर ओपनिंग फाइल मेथड हमको यहां पर मिलता है ओपन। इसी मेथड से हम फाइल को ओपन करते हैं। इसी तरीके से हमको रीड राइट हर एक करने के लिए अलग अलग मेथड्स मिलते हैं। तो मान लो कि हमने पहले तो फाइल को रीड किया, सॉरी रीड रीड कह रहा हूं बार बार, ओपन किया फाइल को, और फाइल को ओपन करने के बाद में मैं यहां पर इसको रीड करना चाहता हूं। तो रीड फाइल, और फाइल रीड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, रीड मेथड का। बट क्वेश्चन ये उठता है कि फाइल पूरी की पूरी उठकर कहां आई है, फाइल वेरिएबल में पड़ी हुई है। तो अब अगर मुझे रीड करना है फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट जो आकर पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि इनपुट डॉट पाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल डॉट, और डॉट लगाते ही यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, एग्जिस्टिंग मेथड, जो कि सब मेथड है, ठीक है। तो हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के साथ में यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो काम है रीड का, ठीक। तो हमको क्या करना है, फाइल को रीड करना है। तो हमने इसको रीड मेथड से कॉल करा दिया। तो अब ये क्या करेगा, फाइल डॉट रीड से जो भी इनपुट डॉट पाई फाइल का कंटेंट था वो इसके अंदर आ चुका है, पहली चीज। अब हमें क्या करना है, इस रीड मेथड के पूरे कंटेंट को प्रिंट कराना है। तो इसी को या तो हम किसी एक नए वेरिएबल में रख लें, तो रीड फाइल नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और इस रीड फाइल के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, आकर पूरा का पूरा इनपुट डॉट पाई का कंटेंट, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। एक बार फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि इसने हमें क्या दिया, ठीक। ये था वो पूरा का पूरा कंटेंट जो कि उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ था, इनपुट डॉट पाई के अंदर। यहां से इनपुट केस, इसके बाद में ये इनपुट के लिए, ये इसका कमेंट कंटेंट, सब कुछ। दैट मीन्स कि वो फाइल हमें मिल चुकी और वो रीड भी हो रही है, किसकी मदद से, रीड मेथड की मदद से। तो यहां पर हमको रीड मेथड ही मिलता है जिसकी मदद से हम रीड करते हैं। रीड करने के साथ में इसमें हम ये भी दे सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइन हमको रीड करने हैं। तो रीड ये जो मेथड है इसके अंदर हम नंबर ऑफ लाइन डिफाइन कर सकते हैं कि कितने लाइन रीड
करने हैं तो चेक भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमको केवल दो लाइन चेक करनी है, और उससे भी पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो रीड मेथड है वो रीड मेथड एक्चुअल में एक्सेप्ट क्या करता है। तो एक्सेप्ट केवल एक ही आर्ग्यूमेंट करता है, वो भी क्या, साइज, और किस में, इंटीजर में, ठीक है। उसको आगे चल के वो पास करता है स्ट्रिंग में, बट हम जब पास करते हैं तो हम देते हैं इंटीजर। ये चीजें स्टार्टिंग में याद रख पाना थोड़ा टफ भले हो, बट तुम यहाँ सजेशन से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसने स्टार्टिंग में केवल हमको इतना दिया, तो हम 5 करते हैं, ठीक है, दिख रहा है स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है, 5 कैरेक्टर दे रहा है। इसको हम कर देते हैं 15, और इसके बाद में इसको हम रन करते हैं। तो इसने क्या किया, हमको एक चीज मैंने गलत बताई, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन नहीं देता है ये, रीड इज, रीड के अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर्स देते हैं। कैरेक्टर पास करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर पास करते हैं, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमको केवल चाहिए हम उतने ले सकते हैं। तो अभी के केस में जैसे 15 किया, तो इसने 15 नंबर ऑफ कैरेक्टर हमको दे दिए। अब इसकी अगर लेंथ भी तुम फाइंड आउट करोगे तो लेंथ में भी हमको क्या मिल जाएगा, लेन मेथड हम यूज करते हैं। तो इसको रन करते हैं, ओके। इसने क्या दे दिया, एस टी आर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेन, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, नंबर को इंटीजर में लिया था और आगे उसने उसको पास ऑन किया था किसमें, स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग कभी भी, जो इस केस में स्ट्रिंग आया है उसकी लेंथ ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये तो केस हो गया किसका, कि हमने कैरेक्टर फाइंड आउट कर लिया। जो लाइन वाला केस आता है नंबर ऑफ लाइन के लिए, तो यहां पर जैसे हमको मेथड मिला है रीड, ऐसे ही एक मेथड मिलता है रीड लाइन का। तो इसी के अलावा यहां पर अगर हम एक नया यूज करते हैं, रीड लाइन मेथड टू रीड द लाइंस, तो मान लो कि रीड फाइल जो है रीड लाइन नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और फाइल के अंदर कंटेंट पड़ा था, और इसको हमने लिया और हमने कौन सा मेथड ले लिया, रीड लाइन, ये भी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर ही। हमने इसको केवल दे दिया 2 नंबर ऑफ लाइन हमको देना है, और प्रिंट में हमने दे दिया रीड लाइन। और एक बार इसको रन करते हैं तो ये हमें नंबर ऑफ लाइन दे देगा, 2 नंबर ऑफ लाइन इसने दिए हमें, हम इसको 4 करते हैं, ओके। रीड लाइन ने हमको नंबर ऑफ लाइंस तो दिया, बट 4 की जगह पे हम 8 करते हैं और देखते हैं क्या दे रहा है हमें। फाइल डॉट रीड लाइन आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहा है, इसको हम कमेंट करके इसके बाद में रन करके देखते हैं। ओके 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 ओके, तो इसने हमको इतना दिया आउटपुट की 3 डैश मिल रहे हैं। एक बार इनपुट फाइल को हम देख लेते हैं कि इसमें कितना स्पेस या कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्ट तो यहीं से है, स्टार्टिंग से ही कुछ ये गड़बड़ी कर रहा है। और नंबर ऑफ लाइंस के लिए नंबर ऑफ लाइंस हम देते हैं 4, और अब रन करते हैं, ठीक है। पहली लाइन ही ये बार बार प्रिंट करके दे रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके,
रीड लाइन का कंडीशन केस यही होता है कि ये हमें जो है स्टार्टिंग में अगर हमें रीड लाइन करते हैं तो रीड लाइन से जितनी बार हम रीड लाइन करते हैं उतने ही नंबर ऑफ लाइंस को ये हमें देता है। तो ये वाले केस को अगर हम रन करते हैं अभी के केस में नॉर्मली केवल रीड लाइन लेके, तो इससे हमें ये पहली लाइन दे दिया। पहली लाइन के साथ में अगर दोबारा हम इसको रन करेंगे तो ये हमें दूसरी लाइन दे देगा, लाइन वही की वही देता चला जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थर्ड टाइम प्रिंट करते हैं तब भी ये वही काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम पूरे के पूरे केस को ही लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं और अब एक बार इसको रन करते हैं चेक करने के लिए कि ये लाइन जो है हमें दे क्यों नहीं रहा है। इनपुट केस दैट मीन्स कि डायरेक्ट फंक्शन रन करने पे इसने जो है सेकंड लाइन हमको दे दिया इनपुट केस। पहला कमेंट था, कमेंट के लिए ट्रिपल सिंगल कोट लगा था और सेकंड लाइन थी इनपुट केस, तो इस बार को इसने इनपुट केस दे दिया। कुछ तो ये मजाक कर रहा है आउटपुट के साथ में, अदरवाइज ये जो केस है हाँ मजाक तो कर रहा है ये। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को ये स्किप कर दिया है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से इसने कुछ दिया नहीं, फिर सेकंड लाइन ऑफ कोड से इसने इनपुट केस दिया और थर्ड लाइन को रन करने से इसने पहला वाला लाइन दे दिया है। एक बार और इसको रन करते हैं, इनपुट केस का पहला पॉइंट दिया, इनपुट केस का दूसरा पॉइंट दे दिया इसने। फाइल जो है कुछ थोड़ा मजाक कर रही है। अदरवाइज इसका केस यही होता है कि रीड लाइन हम यूज करते हैं कि फाइल में जो नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट कर रही है उनमें से हम कितने नंबर ऑफ लाइन को देखना चाहते हैं। जैसे अभी रीड मेथड था और रीड मेथड का काम क्या था कि वो हमें पूरी की पूरी फाइल बाय डिफॉल्ट के केस में रीड करा दे रहा है अगर हम डायरेक्ट रीड मेथड कॉल कर रहे हैं, और अगर हम उसके अंदर इंटीजर पास कर रहे हैं तो वो फाइल के अंदर से उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर केवल हमें रीड करा रहा है। ऐसे ही जो रीड लाइन का केस है इसका केस यही है कि हम एक फाइल में से कितनी नंबर ऑफ लाइन को रीड करना चाहते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ लाइन हम यहाँ पर पास करेंगे वो यहाँ पर उतने दे देगा। इसको अभी आगे चल के हम देखते हैं, या एक बार मैं और इसको देखूंगा फिर इसको अच्छे से बताता हूँ, वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ले रहा है ये। और एट द लास्ट वाला जो केस होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ केसेस के लिए, जैसे आगे चल के हम पाइथन में देखेंगे डेटाबेस के केस में भी कि डेटाबेस जब स्टार्ट होता है तो उसको एंड करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें फाइल की कि हमने एक फाइल को ओपन किया था तो इस फाइल को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें क्या मिलता है कि फाइल डॉट क्लोज। इस क्लोज मेथड से क्या होगा, इसके नीचे ये फाइल जो है क्लोज हो चुकी, इसके आगे आप चाहे जो कोड हम लिख दें ये एक्सेसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स कि यही लाइन ऑफ कोड अगर हम इसके नीचे लिख देते हैं और अब रन करते हैं तो ये हमें उसके नीचे एरर देगा। ठीक है, दे दिया ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, और ये किस लाइन पे है, लाइन नंबर 66 पे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये लाइन ऑफ कोड जो है ये नॉन एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि जस्ट उससे पहले फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है। तो ये एक खास चीज होती है कि फाइल को हमेशा ओपन करना और क्लोज करना। फाइल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इजी है, इसके अंदर हमको बहुत सारे ट्रिक और कंडीशंस नहीं मिलते हैं। जो कुछ भी मिलता है वो बस यही होता है कि सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में हमने फाइल को रीड करके देख लिया, रीड करने में हम रीड मेथड और रीड लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा कंडीशन बचता है वो बचता है हमारा कि हम फाइल को राइट कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम राइट करने की भी बात करते हैं तो राइट करने के लिए भी मान लो कि ये सारा केस तो हमने रीड करने के लिए कर लिया, तो यहीं पर हम कमेंट करते हैं कि फाइल राइट। फाइल राइट के केस में भी हमको सबसे पहले फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा। तो मान लो हम यहाँ से फाइल का पाथ जो है वो कॉपी कर लेते हैं, आप पूरा का पूरा ओपन ही ले चलते हैं यहाँ से, और
यहाँ पे ले चल के हमने एक नया वेरिएबल बनाया, न्यू फाइल इक्वल टू करके, फाइल का केवल अभी हमने पाथ दिया है। और मान लो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अभी तक आर दे रहे थे रीड करने के लिए, अब हम देते हैं ए। ए का फायदा क्या होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो मान लो हम जो है बेसिक में थे, बेसिक की जगह मैं दे देता हूँ टू डॉट एडवांस, ये हो गया फोल्डर का नाम टू डॉट एडवांस यहां पर जो पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक फाइल देते हैं नॉर्मल टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट का एक्सटेंशन टी एक्स टी, और फाइल हमने अभी केवल और केवल ओपन की है। ओपन करते समय हमने कमांड क्या दे दिया, ए दे दिया, और ए कमांड जो दिया था हमने वो किस लिए था, यहां पर दिख रहा होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। तो इस केस में जो एडवांस फोल्डर है इसके अंदर एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो एम्प्टी पड़ा हुआ है फोल्डर ही पूरा का पूरा एडवांस वाला। तो अब क्या होगा कि एडवांस के अंदर टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल तो मिलेगी नहीं, तो ये उसको तुरंत क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के साथ में हम अभी उसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो हम लिख भी सकते हैं। तो जैसे अभी के लिए केवल हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके फाइल को हम केवल चेक करेंगे, न्यू फाइल, और इसको हमने रन किया। ठीक है, ये लाइन तो जो है ये हमारे रीड की आ रही है, लेकिन नीचे वाली लाइन क्या है, हमको टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल मिल चुकी है। और तुम ध्यान दोगे तो यहां पर भी हमारी टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट हो चुकी, यू दे रहा है कि ये नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, नई फाइल क्रिएट हो चुकी है, इस फाइल के अंदर हमें कंटेंट ऐड करना है, तो कंटेंट ऐड करने के लिए हम डब्ल्यू मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब, डब्ल्यू का मतलब राइट मेथड, राइट मेथड का यूज करते हैं। तो जैसे अभी तक हमने रीड किया था रीड करने के लिए, वैसे ही न्यू फाइल जो है इसके अंदर हमें क्या करना है, डॉट राइट, डॉट राइट। ठीक है, अब डॉट राइट के अंदर हम सिंपल यहां पर दे सकते हैं हेलो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, इतना हमने दे दिया। ये क्या करेगा, इस राइट नाम की लाइन को ले जाकर सेव कर देगा कहां पर, न्यू फाइल में। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं। ठीक है, इस फाइल के अंदर जाकर टेक्स्ट सेव हो चुका है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहीं पे डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के साथ में कमेंट दे देते हैं रीड न्यू फाइल, और मेथड हमें क्या यूज करने रहा है, अब न्यू फाइल डॉट रीड। इससे क्या होगा, वो फाइल हम रीड कर सकते हैं। तो हमने एंटर किया, यहां पर हमें एरर मिला। एरर क्यों मिल गया, क्योंकि एक मिनट देखना पड़ेगा, लाइन नंबर 68 पे एरर हमको मिला है, और एरर मिला है कि नॉट रीडेबल। ओके, बिल्कुल नॉट रीडेबल होगा, क्यों, क्योंकि हमने जो फाइल अभी ओपन की है हमको बार बार फाइल ओपन करनी पड़ती है। अभी जो फाइल हमने ये ओपन की थी, ये फाइल ओपन की है हमने ए के लिए, कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल को क्रिएट कर दो, ए मेथड का वही काम है। अब इसके आगे हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइल को रीड करने के लिए। तो आफ्टर क्रिएटिंग न्यू फाइल रीड इट, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक नया मेथड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम देते हैं फिर से आर, और यहाँ पे हम फाइल क्या देते हैं, रीड न्यू फाइल। अब इस रीड न्यू फाइल को हम ले चलते हैं रीड करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है अभी, और इसको थोड़ा हम न्यू लाइन से ले लेते हैं ताकि थोड़ा अलग से दिखेगा बाकी आउटपुट से।
अब एक बार फिर से फाइनल रन करते हैं इसको हम। फाइनल रन स्टार्टिंग की दो लाइन जो हमको मिलने वाली हैं वो मिलेंगी जो हमने पहले से रीड करके रखा हुआ है। फाइनल रन के केस में इसको क्या हो गया, कट करते हैं एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक है, फाइनली रन हो गया। रीड फाइल वाला केस था, हमको मिल गया हेलो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, हेलो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन 3 बार। क्यों 3 बार मिला? क्योंकि हमने जितनी बार इस लाइन ऑफ कोड को रन किया, इस लाइन ऑफ कोड को जितनी बार रन किया, इसने क्या किया, उतनी बार इस लाइन को वहां पर ले जाकर ऐड कर दिया है। तो यहां पर अगर हम न्यू लाइन दे दें तो ये क्या करेगा, अब जितनी बार ये रन होगा उतनी बार ये नई लाइन में जा जाकर रन होगा। तो अभी के केस में तो ये रन हुआ, एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं। ठीक है, मिल गई नई लाइन में। फिर इसको रन करते हैं, दूसरी लाइन मिल गई। तो ये क्या कर रहा है, जितनी बार फाइल रन हो रही है उतनी बार ये उसमें यही सेम कंटेंट राइट करता चला जा रहा है। तो इसी केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो हम यूजर से इनपुट लेकर भी यहाँ पर हम दे सकते हैं राइट में। करना क्या है उसके लिए कि यहीं पे एक छोटा सा केस हमने बनाया कि गेट यूजर नेम, केवल यूजर का नाम लेते हैं हम। तो यूजर नेम करके हमने एक वेरिएबल बना लिया और यहां पर हमने क्या दे दिया, सिंपली इनपुट इनपुट और इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने दे दिया एंटर एंटर योर नेम। और इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिंग दिया कि यूजर नेम इज, और इसके बाद में हमने यहां पर दे दिया यूजर नेम। एक बार रन करके देखते हैं। नाम हमने दे दिया अंकित, टेकन एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट राइट। ओके, राइट जो है इसके अंदर हम वैल्यू को इस तरीके से नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा केवल एक वैल्यू को। तो फाइनल फाइनल नेम करके हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हमने दे दिया स्ट्रिंग। ओके, शायद इसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है, एक बार बट ट्राई करके देख लेते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी एस टी आर नॉट टप्पल, और ये वैल्यू ले रहा है इसको टप्पल में। तो करना क्या पड़ेगा, हमने सब कुछ गड़बड़ किया, थोड़ा सा एरर को पढ़ लेना चाहिए था। तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो केस है इसको हमने उठाया और यहाँ पर एस टी आर मैथड लिया और उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ट्राई करके देखते हैं इसको हम कि ये क्या कर रहा है। फिर से हमने अंकित दिया, डिकोडिंग एस टी आर इज नॉट सपोर्टेड। ओके, इसको हमने यहाँ से उठाया, नेम करके एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर स्टोर करके हमने यहाँ पर नेम पास कर दिया। यूजर नेम इज यूजर नेम, डिकोडिंग एस टी आर इज नॉट सपोर्टेड। ओके, राइट जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इस तरीके की स्ट्रिंग को। तो हम एक काम और कर सकते हैं, डॉट फॉर्मेट का यूज़ किया हमने और डॉट फॉर्मेट का यूज़ करके हमने यहाँ पे दे दिया यूज़र नेम, और हमने ये पूरा का पूरा केस बना लिया स्ट्रिंग वाला। और अब के केस में इसकी भी ज़रूरत नहीं रह जाती है और अब हम यहाँ पे पास करते हैं नेम। और एक बार फिर से फाइनल ट्राई करते हैं। ओके,
गलती क्या किया था, गलती ये हुई थी कि जो फॉर्मेट होता है यही कंप्लीट हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। इस केस में क्या हुआ, जो ये फॉर्मेट वाला हिस्सा है, ये फॉर्मेट वाला हिस्सा कभी भी अलग से नहीं बन रहा है। ये क्या कर रहा है, बस स्ट्रिंग के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी बाहरी वैल्यू है उसको लाकर स्ट्रिंग इंसर्ट कर रहा है और हमें पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग दे दे रहा है। गलती क्या कर रहा था मैं, कि मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग के साथ कॉमा लगा रहा था और कॉमा लगा के वेरिएबल दे रहा था, और वो कभी भी हमेशा स्ट्रिंग से बाहर का पार्ट होता है, अंदर का नहीं। फॉर्मेट का जो हम यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं कि हम एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनाते हैं। यहाँ के केस में क्या किया, फॉर्मेट का यूज करने से वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन गई। अब जो होगा हमको क्या मिल जाएगा, यूजर नेम इज अंकित, ठीक है। क्यों मिल गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस जो है ये स्ट्रिंग का हो गया। तो इससे एक छोटा सा एक्सरसाइज निकल के आ जाता है। यहाँ पर जो है हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज में हम देते हैं एक मेथड बनाओ जिसमें यूजर इनपुट से उसका नेम ईमेल गेट करो और उसको यूजर नेम के नेम से फाइल क्रिएट करके उसमें सेव कराओ। फाइनल मेन चीज क्या है, रिमेंबर हर फाइल यूजर नेम से ही सेव करनी है। इसका मतलब यह है कि अगर इस बार को मैंने यूजर नेम अंकित दिया है तो फाइल जो क्रिएट होगी वो अंकित डॉट टी एक्स टी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यूजर नेम शुभम दिया है तो फाइल शुभम डॉट टी एक्स टी के नाम से क्रिएट होनी चाहिए। ये तुम्हारा काम है, ये एक्सरसाइज करना है। तो जो तुमने अभी यहां पर देखा है यूज ऐसा ही करना है, बस एक छोटा सा ट्रिक और है उसके अंदर, कर ले जाओगे, ट्राई करके देखना। इसके अलावा ये तो बात हुई अभी कि ठीक है हमने फाइल को क्रिएट किया, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ लाइन को ऐड किया और इसके बाद में उसको हमने रीड करके चेक कर लिया कि फाइल के अंदर कंटेंट है कि नहीं है। इसके बाद में बात आती है कि जो फाइल बनी हुई है उसको हमें डिलीट करना है, हम नहीं चाहते अब उस फाइल को रखना, तो हम उस फाइल को डिलीट कर देना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जाहिर सी बात है अभी तक हमने दो मेथड देखे, एक मेथड हमने देखा रीड और एक देखा राइट। इन दोनों के अलावा एक मेथड हमको मिलता है सेपरेटली अलग से, जिसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा अलग से एक लाइब्रेरी का, और वो लाइब्रेरी कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्योंकि फाइल को क्रिएट करने और उसके अंदर टेक्स्ट रखने तक का काम तो नॉर्मल पाइथन जो है ये कर देता है, लेकिन जब कभी भी बात आती है फाइल को डिलीट करने की, उस समय एक्स्ट्रा लेवल की परमिशन चाहिए होती है। तो उस एक्स्ट्रा लेवल की परमिशन के लिए हमें यहाँ पर मिलता है एक ओएस की लाइब्रेरी, फॉर डिलीटिंग फाइल यूज ओएस लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट करने का केस पता है कि हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किसको करना है, ओएस को। ओएस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर मेथड तो बहुत सारे मिलते हैं, अगर तुम्हें मेथड देखना होगा तो तुम ओएस करना, डॉट करना और डॉट के बाद में कंट्रोल स्पेस, तुम्हें जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स है वो यहां पर फेच होकर आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें फिलहाल जो यूज करना है वो करना है ओएस डॉट रिमूव का, फाइल को रिमूव करने के लिए। तो मान लो कि हमारी फाइल का नाम जो है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और इसका पाथ जो है वो है ये, तो हमने पाथ को कॉपी किया और यहाँ पर हमने दिया रिमूव मेथड, ठीक। और रिमूव मेथड के अंदर हमने क्या किया, पाथ दे दिया सिंपली, जो पाथ हमें
फुल फाइनल देना है। इसके बाद में जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, फाइल को रिमूव कर देगा। तो हम अपनी फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से फाइल ये पड़ी है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और इसको हम चलते हैं रन करते हैं, और रन करने के साथ में देखते हैं कि एक्चुअल में इसने फाइल को डिलीट किया कि नहीं किया। अंकित, और अब फाइनली क्या हुआ, लाइन नंबर 80 में एरर आया है, और एरर क्या है कि परमिशन एरर। ओके, परमिशन की एरर आई है कि वो फाइल को डिलीट करने के लिए हमको चाहिए परमिशन। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। मतलब कि ये जो फाइल है ये पहले यूज हो रही है, इसलिए हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये केस कब आता है, मान लो कि हमने फाइल को ओपन कर रखा है और ओपन करने के बाद में हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हमको विंडोज में क्या एरर मिलता है कि पहले फाइल को क्लोज करो तब वो डिलीट होगी। ऐसे ही सेम टाइप का हमको एरर मिल रहा है यहाँ पर कि फाइल पहले से वर्किंग में है, इसलिए हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमने पहले फाइल को क्लोज कर दिया, यहाँ पर फाइल क्लोज हो गई। फाइल क्लोज होने के बाद में हम आए यहाँ पर और अब हम करना चाहते हैं फाइल को डिलीट, तो एक बार हमने फिर से रन किया। सेम प्रॉब्लम अगेन, फाइल को हमने क्लोज कर दिया है, फाइल 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 न्यू फाइल। ओके, फाइल हमने केवल क्लोज कर रखी है एक, ठीक है, फाइल को, और जो न्यू फाइल है उसको हमने क्लोज नहीं किया है, तो इस फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं। एंड अगेन गेट द सेम प्रॉब्लम, कि इस बार हमको प्रॉब्लम क्या मिली है, लाइन नंबर 84 में परमिशन एरर ही है, द प्रोसेस कैन नॉट बी फिल्ड बिकॉज द फाइल बीइंग यूज्ड बाय अनदर। ओके, रीड फाइल हमने किया था, दो ही फाइल हमने ली थी, एक फाइल और हमने ली थी रीड न्यू फाइल। जितनी फाइलें हमने बनाई हैं उतनी फाइलें हमें क्लोज करना जरूरी है। तो एक बार हम नंबर ऑफ फाइल्स को हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी फाइलें थी। पहली तो हमने फाइल नाम से फाइल को ओपन किया था, दूसरा फाइल जो था न्यू फाइल था, और तीसरा है रीड न्यू फाइल। तीन फाइलें हमने ओपन की थी, तो ये है लास्ट वाली फाइल जिसका कि हम यूज कर रहे थे। रीड फाइल से ही हमने लास्ट में रीड कराया था और इसको हमने क्लोज नहीं किया था। तो एक बार फिर से हम रन करते हैं। फाइनली फाइल ना क्लोज करने की वजह से हमको एरर मिल रहा था, क्योंकि रीड न्यू फाइल जो थी यही लास्ट वाली फाइल थी जिसको हम रीड कर रहे थे। ये करने के बाद में क्या हुआ, फाइल डिलीट हो चुकी यहां से, एडवांस के फोल्डर में अब फाइल नहीं बची है। तो ये तो केस हो गया कि हमने क्या किया, फाइल को डिलीट कर दिया। इसी तरीके से एक केस हमें और मिलता है कि हम डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टरी वाला केस अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टरी के लिए डायरेक्टरी क्रिएट करना और डिलीट करना दोनों देखेंगे, तो ये वाला केस हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं केवल और केवल फाइल के लिए देख रहे हैं, फाइल को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द लास्ट एक छोटा सा एक्सरसाइज और बनता है, और वो क्या बनता है कि क्रिएट मेथड, जिसमें कि फाइल नेम यूजर से इनपुट कराने के बाद इनपुट कराने के बाद उस फाइल को डिलीट करना है।
मतलब सिंपल यही है कि एक मेथड बनाओगे, यूजर से फाइल का नाम दे रहे हो, तुम पहले से ही मेथड में पाथ को सेट करके रखे हो, जैसे ही फाइल का नाम दिया उस फाइल को वो डिलीट करे, और डिलीट करने के साथ में क्या मिल जाए, सक्सेस मैसेज शो हो जाए एट द लास्ट। ठीक है, यही काम है, इसको करके देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।